गुर चांद की हुई भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद फरीदा खान जिंदाबाद फरीदा खान आहिस्ता 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 ऐसा ही चलना है देना चाहते हैं। हम संदेश मोदी जी का संदेश कश्मीर को देना चाहते हैं, पीस प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। कश्मीर को शांति चाहिए। जो पिछले 1987 से को पहले को अगर हम याद करें, यहाँ कितना टूरिस्ट आता था, यहाँ बॉलीवुड आता था, कोई भी फिल्म ऐसी नहीं थी जिसकी शूटिंग कश्मीर के अंदर नहीं होती थी। आज मोदी जी की एक जिद है, मोदी जी ने एक जिद ली है कि मुझे कश्मीर में शांति लानी है। हम सब यही संदेश कश्मीर के लोगों को देना चाहते हैं, मोदी जी की उस जिद को कि यहाँ पर हमें शांति लानी है, उसमें आप हमारा साथ दें। आप देखिए 370 और 35 हटने के बाद आज सोपुर के अंदर ये तांगा रैली निकल रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये मिनी लंदन जो है इसको कितना खराब किया गया था, बर्बाद किया गया था, आतंकवाद, अलगाववाद। और जैसे जसोटे जी ने कहा है कि वे फ्रूट मंडी है, हम इस लेवल तक ये जाने वाली है कि इसका जो फ्रूट है वो केरल तक जाएगा। यही संदेश है कि कश्मीर के लोगों को कि आप शांति और भाईचारा बनाए और देश और दुनिया में एक मैसेज दें और दोबारा से टूरिस्ट यहाँ पर आए, दोबारा से कश्मीर स्वर्ग बने, यही मैसेज है हमारा। सर छह साल आप क्या हो बताएं कि 370 और 35 से आप मेरी बात सुने। देखिए नहीं छोड़ना नहीं पड़ेगा ना, छोड़ना नहीं पड़ेगा। आप सुने कि 370 और 35 के रहते यहाँ हम लोग कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। आप ये देखें कि 370 और 35 से हटने के बाद हमने यहाँ पर जमीनी सतह पर जो है वो पावर दी है। आम आदमी आज मेंबर बनने जा रहा है डीडीसी का। आप मुझे बताइए कश्मीर के अंदर जितने भी लेजिस्लेटर बने, दो परिवार या 50 परिवारों का दादा बना, बेटा बना, पोता बना, आम आदमी आज तक कश्मीर का कभी लेजिस्लेटर नहीं बना। ये चुनाव जो है कश्मीर की राजनीति को बदलेंगे, कश्मीर के मुकद्दर को बदलेंगे और कश्मीर में आम आदमी जो है वो रूल करेगा। सर अपनी पार्टी की सर, अभी अभी लोड करने की बात की सर, बीजेपी की दो बी टीम है किस हद तक नहीं। देखिए यहाँ पर हर शख्स को अपनी पार्टी बनाने का एक राइट है। अपनी नहीं, बीजेपी की बिल्कुल बी टीम नहीं है, वो अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो कश्मीर का हित चाहती है, उन्होंने काम कर रहे हैं कश्मीर के लिए। मकसद ये है, लोगों को पता चलना चाहिए बीजेपी है ओपन में। वैसे लोगों का डर है बीजेपी नहीं है,
वैसे है, डर के चल रहे हैं। वैसे हम इसलिए टांगे रिले कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता चल रहा है बीजेपी है, ओपन चल रही है, इसलिए हम लोगों को बोल रहे हैं वोट डाल दो खुल के। कैसा चुनाव कर सोपोर में जो हमारे कैंडिडेट तुजर शरीफ से, इंशाल्लाह हमको अपनी ठीक लग रहा है, इंशाल्लाह शुक्र खुदा का। एक वक्त ऐसा भी था जब बीजेपी का, आज आज क्या है बीजेपी का रोल कश्मीर में? शुक्र खुदा का ठीक है, वो भी वो माहौल छोड़ दो। आज देखो बीजेपी हर जगह बीजेपी का झंडा लग रहा है बिना डर का। तो ये रैली जो है कहाँ से कहाँ तक जाएगी? ये हमारे माजमुख से फ्रूट मंडी तक जाएगी। तो इस रैली के जरिए आप दर्शाना क्या चाहते हैं? हम लोगों में ये चाहना चाहते हैं ओपन जाए, बस लोगों में डर निकलना चाहिए, किसी को मत डर है बीजेपी का, इसीलिए हमने ओपन लिखी है वो डाल दो खुल के।